कोरोना वायरस के बीच फैले जीका वायरस ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। बदलते मौसम, प्रदूषण और त्योहारों के सीजन में बीमारियां भी पैर पसार रही हैं। कोरोना से बचने के लिए अभी पूरा विश्व लड़ाई लड़ रहा है, वहीं डेंगू, मलेरिया और अब जीका वायरस ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। जीका वायरस के सबसे ज्यादा मामले यूपी में देखने को मिल रहे हैं। बढ़ते संक्रमण के बीच ये जानना जरूरी है कि आखिर क्या है जीका वायरस, ये क्यों फैलता है और इसके बचाव क्या हैं, कैसे इसे फैलने से रोका जा सकता है। जीका वायरस एडीज मच्छर से फैलता है। ये मच्छर दिन के समय ज्यादा एक्टिव रहते हैं। एडीज की कई प्रजातियां जीका वायरस को संचालित करती हैं। WHO के अनुसार जीका वायरस को पहली बार सन 1947 में युगांडा के बंदरों में पहचाना गया था, लेकिन इसके अफ्रीका, एशिया के देशों सहित कई अन्य जगहों पर काफी ज्यादा लोग इस वायरस से प्रभावित हुए हैं। जीका वायरस के क्या हैं लक्षण? जीका वायरस के शुरुआती लक्षण हल्के होते हैं। जीका से संक्रमण होने पर मरीज को बुखार, रैशेज, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द और उल्टी की शिकायत रहती है। सबसे ज्यादा जीका की चपेट में गर्भवती महिलाएं आती हैं। इतना ही नहीं, गर्भवती महिला को जीका होने पर पेट में पल रहे बच्चे में भी मस्तिष्क दोष पैदा हो जाता है, जिसे माइक्रोसेफली के रूप में जाना जाता है। जीका वायरस होने पर बच्चों के सिर की बनावट और आकार बदल जाता है। अगर किसी भी गर्भवती स्त्री को इस तरीके के लक्षण हैं, तो तुरंत ब्लड और यूरिन टेस्ट कर जीका का पता लगाना चाहिए, ताकि सही समय पर सही इलाज से संक्रमण को बच्चे में फैलने से रोका जा सके। जीका वायरस यौन संपर्क के जरिए और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए भी फैल सकता है। फिलहाल जीका का कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसके लक्षण दिखने वाले व्यक्ति को आराम और डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए पेय पदार्थ पीने की सलाह दी जाती है। जीका वायरस से कैसे बचें? जीका वायरस को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है खुद का मच्छरों से बचाव करना, मच्छरों के काटने से बचना, मच्छरों को बढ़ने से रोकना, सुरक्षित यौन संबंध बनाना। मच्छरों से बचाव के लिए शरीर को पूरा ढकें, पूरी आस्तीन के कपड़े पहनें, नालियों और घरों में दवाइयों का छिड़काव करते रहें, ताकि मच्छर ना पनपें। जीका वायरस का कोई उपचार नहीं है, इसलिए सतर्कता ही इसका बचाव है। जैसे कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जरूरी है, वैसे ही जीका से बचने के लिए मच्छरों से बचना जरूरी है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें। हमारे चैनल एशियानेट न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।